नमस्कार दोस्तों, मैं वैभव आपका ओरिजिनल एकेडमी में स्वागत करता हूँ। इसके पहले मैंने गियर मेजरमेंट के ऊपर दो वीडियो बनाए, एक इंट्रोडक्शन का वीडियो था और सेकंड में गियर टर्मिनोलॉजी कवर किया था। उसमें बेस सर्कल था, पिच सर्कल था, पिच सर्कल डायमीटर था, अडेंडम और डिडेंडम, इतने टर्मिनोलॉजीज मैंने कवर किए थे। अभी नेक्स्ट जो ये वीडियो, इस वीडियो में बाकी के जो कुछ टर्मिनोलॉजीज है वो मैं इसमें कवर करना चाहता हूँ। तो उसके बाद टोटल डेप्थ आता है। टोटल डेप्थ मतलब क्या कि जो आपका ये गियर है इसका टॉप से लेके ये बॉटम तक जो डिस्टेंस रहेगा उसको क्या कहते हैं, टोटल डेप्थ कहते हैं। उसको आप अडेंडम प्लस डिडेंडम भी कह सकते हो। फिर इसके बाद आता है वर्किंग डेप्थ। वर्किंग डेप्थ का डेफिनेशन कुछ इस तरह से है, इट इज़ डिफाइंड एज द ग्रेटेस्ट डेप्थ टू विच अ गियर टूथ ऑफ वन गियर एक्सटेंड इन टू द टूथ स्पेस ऑफ मेटिंग गियर। सिंपल सी बात है, कंसिडर करो एक गियर है और उसके अंदर क्या हो रहा है, एक दूसरा गियर अंदर उसके अंदर एंटर हो रहा है। ये एक दूसरा गियर है उसके अंदर एंटर हो रहा है, मतलब ये जो डेप्थ रहेगी जितना एक गियर दूसरे गियर के अंदर पेनिट्रेट कर रहा है उसको क्या कहते हैं, वर्किंग डेप्थ कहते हैं। वर्किंग डेप्थ का अडेंडम प्लस डिडेंडम माइनस क्लियरेंस रहेगा उसको क्या कहते हैं, वर्किंग डेप्थ। फिर उसके बाद आता है क्लियरेंस, इट इज़ डिफाइंड एज द रेडियल डिस्टेंस फ्रॉम टॉप ऑफ टूथ टू बॉटम ऑफ मेटिंग टूथ व्हेन टीथ आर सिमेट्रिकली एंगेज्ड। जब दो टीथ सिमेट्रिकली एंगेज्ड होंगे फिर उसके बाद जो ये रहेगा, इतना जो गैप रहेगा उसको क्या कहते हैं, ये गैप को क्या कहते हैं, क्लियरेंस कहते हैं। ठीक, फिर उसके बाद आता है डायमीटरल पिच, इट इज़ डिफाइंड एज द नंबर ऑफ टीथ ऑफ गियर पर mm ऑफ पिच सर्कल डायमीटर। आपका जो पिच सर्कल डायमीटर है उसके ऊपर पर mm पे कितने टीथ है उसको क्या कहते हैं, उसको डायमीटर पिच कहते हैं। तो उसको फार्मूला कुछ इस तरह से, उसका PD इज इक्वल टू N अपॉन D। ठीक, उसके बाद बेस पिच, द बेस पिच इज डिफाइंड एज द आर्क डिस्टेंस मेजर अराउंड द बेस सर्कल फ्रॉम द ओरिजिन ऑफ इन्वोल्यूट ऑफ वन टूथ टू द ओरिजिन ऑफ सिमिलर इन्वोल्यूट ऑफ नेक्स्ट टूथ। पिच पॉइंट, अभी ये पिच पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है आपके गियर के बारे में। जब दो गियर एक दूसरे को मेट होते हैं, कंसिडर करो यहाँ पे जो पॉइंट रहता है इसको क्या कहते हैं, पिच पॉइंट। जहाँ पे दूसरा गियर जब मेश होके उसको आगे ये करता है तब इस यहाँ पे एक पॉइंट, प्रेशर पॉइंट क्रिएट होता है, उसको पिच पॉइंट कहते हैं। इट इज़ डिपेंड ऑन द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन पिच सर्कल ऑफ टू गियर्स इन मेश। जब दो गियर्स के जो पिच सर्कल एक पॉइंट पे मेट होते हैं उसको क्या कहते हैं, पिच पॉइंट कहते हैं। ब्लैंक डायमीटर, द डायमीटर ऑफ गियर ब्लैंक इज इक्वल टू पिच सर्कल डायमीटर प्लस ट्वाइस अडेंडम। उसके बाद टूथ थिकनेस, इट इज़ डिफाइंड एज द एक्चुअल डिस्टेंस मेजर्ड अलॉन्ग द पिच सर्कल फ्रॉम द इट्स इंटरसेप्ट विद वन फ्लैंक टू इट्स इंटरसेप्ट विद द अदर फ्लैंक ऑफ द सेम टूथ। सिंपल भाषा में इसको बताना चाहूँ तो कैसा है, ये आपकी फ्लैंक है, ये फ्लैंक है, ये फ्लैंक से लेके ये फ्लैंक तक आपके पिच सर्कल पे जो डिस्टेंस रहेगा उसको क्या कहते हैं, टूथ थिकनेस कहते हैं। इतना ही सारा इस वीडियो में था। ये वीडियो आपको कैसा लगता है आप मुझे बता सकते हो। थैंक यू।